देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 5 - 12 i अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 i माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12 i। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से आयोटा को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो देखो ये +12 i, यहाँ पे आ गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12 i अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12 i। ठीक है, देखो इससे हमें, हमने क्या किया, इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म हमारे पास सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, और स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a² + b² + 2ab। तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 5 + 12 i + 5 - 12 i एंड +2 √, ये देखो a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा, तो a² यानी कि 25 - b² बी स्क्वायर करेंगे तो 12 i² आयोटा 12 i² का होल स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, देखो a - b a + b, तो a² - b² यानी कि आ जाएगा अपने पास 5 + 12 i - 5 - 12 i, यही आएगा। अब देखो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट, ये 12 i से 12 i कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 + 5 10 + 2 √ भी कितना हो जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 अपॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 + 12 i कितना हो जाएगा 24 i। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 + 10 26 + 10 आ जाएगा अपने पास 34 / 24 i। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 26 + 10 36 होता है, ये 36 आएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, आयोटा एंड आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 12 से जाएगा 2 टाइम, ये 36 जाएगा 3 टाइम। ठीक है, तो आ जाएगा 3 i अपॉन, देखो i into i क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है और i into i -1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3/2 i। ठीक है, तो -3/2 i यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इजी है।